नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ बिजली विभाग की लापरवाही से एक संविदा बिजली कर्मी की असमयिक मौत हो गई। घटना सिधारी थाना क्षेत्र के गौडी खालसा गांव की है, जहां शटडाउन को लेकर ट्रांसफार्मर का जंपर सहित काम करते समय अचानक बिजली आने से संविदा लाइनमैन की झुलसकर मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिधारी थाना क्षेत्र के छतवारा गांव काली प्रसाद चंडेसर विद्युत सब स्टेशन पर संविदा लाइनमैन है। रविवार को गौडी खालसा गांव में बिजली ठीक करने गया था। फोन कर काली प्रसाद ने बिजली का शट डाउन लिया था। इसके बाद जब वह पोल पर चढ़कर ट्रांसफार्मर का जम्पर ठीक कर रहा था, इसी बीच बिजली आ गई, जिससे वह करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया। उसके अन्य साथियों ने उसे जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।